हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जो हमने हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 300 एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट टू लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो ये मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इनके आने वाले हरियाणा सीईटी 2022 एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, इसलिए इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं पूछा गया है, जो प्राइमरी कलर हैं, प्राथमिक रंग हैं, वो कौन कौन से होते हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, लाल हरा नीला, यानी RGB, रेड ग्रीन और ब्लू, ये हमारे प्राथमिक रंग होते हैं। निकट रिश्तेदारों से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। पूछा गया है जो निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को अगर, तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवतल लेंस। दूर दृष्टि रोग से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। पूछा गया जो दूर दृष्टि रोग है या जो दूर दृष्टि दोष है उससे पीड़ित व्यक्ति है, उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। तो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है, प्रतिरोध होता है जो उसका मात्रक, उसकी यूनिट क्या होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम। ओम जो है वो प्रतिरोध का मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी SI यूनिट, SI मात्रक क्या होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओम मीटर। ओम मीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का। तो याद रखेंगे, प्रतिरोध का ओम और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है, यूनिट है, वो ओम मीटर होता है। यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। फ्यूज का सिद्धांत है, जो फ्यूज होता है हमारे घरों में बिजली का फ्यूज, उसका सिद्धांत वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी, उसके सिद्धांत पर ये काम करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट है वो किस तत्व से बना होता है। जो हमारे घरों में बिजली का बल्ब यूज किया जाता है उसमें एक फिलामेंट होता है, वो किस तत्व, किस एलिमेंट का बना होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन का। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर जो है किसका मात्रक है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, ऊर्जा का, एनर्जी का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, उसका मात्रक, उसकी यूनिट क्या होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेबर। जो चुंबकीय फ्लक्स है उसको वेबर यूनिट में नापा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो चैडविक हैं, जेम्स चैडविक इनका पूरा नाम है, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। पूछा गया जो परमाणु का नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें कौन कौन से अवयव होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। सही आंसर जो हमारा है यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, देखिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से जो है कंफ्यूज नहीं होना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किस साइंटिस्ट ने की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमसन, जे थॉमसन है, जो वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी जो यूनिट है वो किस चीज़ की यूनिट है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो एक्टिव धर्मिता, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट जो है क्यूरी है। रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जो रेडियो कार्बन डेटिंग की प्रोसेस है वो किस चीज़ की एज यानी उम्र ज्ञात करने के लिए यूज में लाई जाती है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाश्म, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, उनकी एज जो है हमको रेडियो कार्बन डेटिंग की प्रोसेस से मिलती है। पृथ्वी का आयु निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। फॉसिल्स हैं वो कार्बन डेटिंग से करते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी की आयु का पता करना है तो वो किस विधि से होगी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम विधि, यूरेनियम जो मेथड है उससे हो गया। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है।
पूछा गया जो नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उनमें हैवी वाटर यानी भारी जल है जो किस रूप में प्रयोग किया जाता है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में। रडार का आविष्कार किसने किया था? सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी रॉबर्ट वाटसन जो है उन्होंने रडार का आविष्कार किया था। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में। सही आंसर होगा जे एल बेयर्ड, ऑप्शन सी सही होगा, जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। राइट ब्रदर्स ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? देखिए उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस चीज़ का आविष्कार भी पूछा जा सकता है, साइंटिस्ट का नाम भी पूछा जा सकता है। तो राइट ब्रदर्स है उन्होंने जो है ऑप्शन सी सही होगा विमान यानी एरोप्लेन का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोएंटगन, साइंटिस्ट है रोएंटगन, इनको इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है, इन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन के आविष्कार किनको माना जाता है? जो माइक्रोफोन है सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राहम बेल को इसके आविष्कार माना जाता है, माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल जी ने किया। टेलीविज़न का आविष्कार, देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी जे एल बेयर्ड। वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? जो ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता होती है वायु में उसको नापने के लिए जो उपयुक्त जो उपकरण है वो कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी बैरोग्राफ। देखिए कई नाम दिए गए हैं हाइड्रोग्राफ बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ याद रखें आप वायु की आर्द्रता मापन के लिए। वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। अब पूछा गया वायुमंडल की जो आपेक्षिक आर्द्रता है जो ह्यूमिडिटी है वो किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर। याद रखेंगे हाइड्रो से कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर हाइग्रोमीटर होगा सही। फैदोमीटर द्वारा क्या नापा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए समुद्र की गहराई, यानी समुद्र को गहराई जो है उसको नापने के लिए फैदोमीटर का यूज किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जो शुद्ध सोना होता है प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 24 कैरेट का, यह लगभग सभी को पता होगा। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? पूछा गया जो कंप्यूटर का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर है वो किन्हें बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेवेज को। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है यानी कंट्रोल करने वाला पार्ट है वो कौन सा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीपीयू, सीपीयू के फुल फॉर्म भी याद रखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी जो ब्रेन है कंप्यूटर का वो किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा इसका भी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो आईसी चिप होती है उस पर किसकी परत होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन है सिलिकॉन, सिलिकॉन से बनी होती है आईसी चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में किसकी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? कंप्यूटर में जो किसी कोई भी शब्द है उसकी लंबाई किस यूनिट में नापते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हम बिट में, बिट यूनिट होती है उसमें किसी शब्द की लंबाई को कंप्यूटर की भाषा में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, जो कोई एरर आ जाता है कोई अशुद्धि आ जाती है कंप्यूटर के डाटा में रिकॉर्ड में तो उसको क्या बोलते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी बग, BUG बग होती है इसकी फॉर्म, इसको जो है उसके एरर को कंप्यूटर के एरर को बोला जाता है बग। किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता, जो वाणिज्य से रिलेटेड कार्य हैं उनमें कौन सी भाषा कंप्यूटर की लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन सी कोबोल का, ये जो है वाणिज्यिक कार्यों के लिए बनाई गई भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज को विकसित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन ए फोरट्रान लैंग्वेज को, फॉर्मूला ट्रांसलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है वो सही आंसर होगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर से रिलेटेड डाटाबेस सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस
जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा हमारा 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी होगा सही आंसर है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? जो इंडिया है उसमें सिलिकॉन वैली है, वैली है, वो कौन सी जगह को बोलते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु में। भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ। भारत में बनाया गया पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? काफ़ी फेमस कंप्यूटर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसके संस्थापक फाउंडर कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पॉल एलन और बिल गेट्स। याद रखेंगे पॉल एलन और बिल गेट्स दोनों इसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? जो सूचना राजपथ है वो किसे बोला जाता है? सही आंसर होगा डी इंटरनेट को, ऑप्शन डी सही है। इंटरनेट को सूचना राजपथ बोला जाता है। ईमेल के जन्मदाता किन्हें माना जाता है? जो ईमेल है सही आंसर होगा ऑप्शन डी वी शिवा अयादुरई हैं जो, उनको ईमेल के जन्मदाता बोला जाता है। ये इंडियन है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? पहला जो कंप्यूटर है डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस है इंडिया का, वो कहाँ पर बना था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? जो रेलवे की जो रिजर्वेशन जो सिस्टम है वो सबसे पहले कहाँ पर लगाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। www का पूर्ण रूप है? जो www है उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड वेब। कंप्यूटर के संदर्भ में RAM का तात्पर्य है? RAM है जो, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रीड एंड मेमोरी। ओके रीड एंड मेमोरी जो है, सॉरी यहाँ पर सही आंसर होगा जो रैम का, RAM का, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। ओके रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CPU का विस्तृत रूप। ये देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ CPU की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। IBM का पूर्ण रूप, IBM जो है उसका फुल फॉर्म पूछी गई है। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है? देखिए पहले फुल फॉर्म पूछी गई है, अब इसके आविष्कार किसने इसको डिस्कवर किया? सही आंसर होगा ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली जो है उसको, WWW के आविष्कारक हैं वो। कंप्यूटर शब्दकोश में जो कंप्यूटर डिक्शनरी है उसमें CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो CD वर्ड है वो किसके लिए किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क। जो CD है हम जो यूज करते हैं जिसमें डाटा हम सेव करते हैं वो होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU की फुल फॉर्म? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा ALU की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रदेश है, प्रदेश क्या होता है? सही आंसर होगा ये एक कंप्यूटर की भाषा है। प्रदेश अगर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा जाए तो कंप्यूटर की भाषा है, लेकिन वैसे पूछा जाए तो इनमें देखिए कोई जो आंसर है वो पॉसिबल नहीं लग रहा है। प्रदेश की अगर डेफिनेशन भी हम देखें तो ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है प्रदेश। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक, पूछा गया है जो स्टेनलेस स्टील है वो एक मिश्र धातु होती है, कई धातुओं से मिलकर बनाई जाती है, लेकिन जो वायु है एयर है वो क्या होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिश्रण। वायु एक मिश्रण होती है, मिक्सचर होती है अलग अलग गैसेज का। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है जो फोर्थ फॉर्म है किसी भी पदार्थ की मैटर की, वो कौन सी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लाज्मा। 3 फॉर्म तो सबको याद होंगी, सॉलिड लिक्विड गैस यानी ठोस तरल और गैस, जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है प्लाज्मा। हीरा डायमंड जो है वो क्या होता है? डायमंड जो है एक, सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन एक तत्व है, एक एलिमेंट है, ये कार्बन का ये एक एलिमेंट है जो है, उसका कार्बन का दूसरा रूप भी बोलते हैं डायमंड को। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की,
जो न्यूक्लियर प्रिंसिपल है, परमाणु सिद्धांत है, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन ने। नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या है जो वो क्या होती है? सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, नाभिक में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी संख्या। न्यूक्लियॉन्स यानी जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो द्रव्यमान संख्या होती है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की? जो रेडियो सक्रियता है उसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी बेकलर ने। जो हेनरी बेकरल है उन्होंने सबसे पहले रेडियो सक्रियता के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी जो है ये हमने पहले भी पढ़ा है, जो रेडियो धर्मिता है उसकी इकाई है क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्यूरी है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग जो विधि है उससे पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण किया जाता है? देखिए क्वेश्चन पहले पूछा गया है, लेकिन पहले पूछा गया था कौन सी विधि से जो है, जो इसके उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर कार्बन डेटिंग था। यहाँ पर विधि बताई गई है इससे किसका निर्धारण किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीवाश्म की जो आयु है वो कार्बन डेटिंग यानी रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से जो है उसका निर्धारण किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमने आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो जनरल साइंस से रिलेटेड वो डिस्कस कर लिए, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।